दोस्त स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम है मनतेज सिंह गौड़ख और आज की इस वीडियो में हम ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक नया इंडिजिनियस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अब अप्रूव कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडियन नेवी के लिए डेवलप करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तेजस नेवल फाइटर जेट के सक्सेस के बाद और इस एयरक्राफ्ट के INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर सक्सेसफुल ट्रायल लैंडिंग्स के बाद एयरनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक नए ट्विन इंजन मेड इन इंडिया फाइटर जेट की डेवलपमेंट को प्रपोज किया था, जिसके बारे में अब NDTV ने जानकारी दी है कि ADA को इसकी डिवेलपमेंट को लेकर मंजूरी मिल गई है। इस इंडिजिनस एयरक्राफ्ट की डिवेलपमेंट का अप्रूवल 22 मई को हुई एक मीटिंग में मिला था। इस मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और इंडियन नेवी और एयरफोर्स के चीफ ने हिस्सा लिया था। इस मीटिंग के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस एयरक्राफ्ट के लिए ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक इस एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट की खबर तब आई है जब इंडियन गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं और उन्होंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि वो डिफेंस प्रोडक्ट्स में आत्मनिर्भर बने, यानी कि सेल्फ रिलायंट हो जाए और उसे कोई भी एयरक्राफ्ट या दूसरा वेपन किसी विदेशी कंपनी से ना खरीदना पड़े। इस एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जिससे कि हमारे देश के दो एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत से ऑपरेट करने के लिए बनाया जाएगा। इसके बारे में ऐसी जानकारी मिली है कि इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट का काम शुरू होने के बाद अगले 6 ईयर्स में ये एयरक्राफ्ट तैयार हो जाएगा। तेजस नेवल प्रोग्राम तेजस Mk1 एयरक्राफ्ट का एक नेवल वेरिएंट था जिसने INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट के ऊपर अरेस्टेड लैंडिंग्स की थी। इसके साथ ही इन्होंने एक शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी के ऊपर भी टेस्ट लैंडिंग्स की थी। हमारे देश के द्वारा एक नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट को एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेट करना और लैंड करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बहुत कम देश ऐसे हैं जिनको ये अचीवमेंट हासिल हुई है। इसके साथ ही ऐसी खबर आई है कि जो लोग इस एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन और डेवलपमेंट के साथ जुड़े हैं उनका कहना है कि ये तेजस नेवल वेरिएंट का एक एडवांस वेरिएंट होगा और इसके साथ ही उनका कहना है कि इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट और मरीन रफाल यानी कि M-Rafale एयरक्राफ्ट को एक बेंचमार्क के तौर पर लिया गया है और जो परफॉर्मेंस इन दोनों एयरक्राफ्ट की है उसके मुताबिक और इन परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को मीट करने को ध्यान में रखकर इस नए एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट की जाएगी। इसके साथ ही उनका कहना है कि यह नया फाइटर एयरक्राफ्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA की डेवलपमेंट के लिए डेवलप की गई टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये एयरक्राफ्ट एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं होगा। इस एयरक्राफ्ट के डिजाइन के 3 वेरिएशंस को अभी स्टडी किया जा रहा है और इसके बाद कॉम्पिटिशनल फ्लूइड डायनेमिक्स टेस्ट और विंड टनल मॉडलिंग के बाद ये पक्का किया जाएगा कि कौन सा डिजाइन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अच्छा डिजाइन होगा और जो इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को भी और ज्यादा बढ़ाएगा। अभी ये क्लियर नहीं है कि इस एयरक्राफ्ट का डिजाइन टेल लेस डेल्टा प्लेटफॉर्म वाला होगा जैसे कि इंडियन एयरफोर्स का LCA Tejas फाइटर एयरक्राफ्ट है और जहां इसमें कैनेट्स भी लगे होंगे। जहां पर आपको बता दें कि तेजस Mk2 मीडियम वेट फाइटर जेट में कैनेट्स फीचर होंगे और ऐसी खबरें आई थी कि ये एयरक्राफ्ट मीडियम वेट फाइटर जेट का एक ट्विन इंजन वेरियंट ही होने वाला है। जहां पर आपको बता दें कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के जो पहले रेंडर्स सामने आए थे उसमें इसका डिजाइन एक कैनेट वाले एयरक्राफ्ट का था। इसके साथ ही इसमें कन्फॉर्मर फ्यूल टैंक्स भी थे। कैनेट्स एक ऐसा फीचर है जिससे कि एयरक्राफ्ट के मेन विंग के आगे लगाया जाता है जिससे एयरक्राफ्ट की मैनोवरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ती है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट के 2 वेरिएंट प्लान किए गए थे। इंडियन एयरफोर्स के लिए जो वेरिएंट प्लान किया गया था उसका नाम ORCA था, जिसका मतलब है ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और जो नेवी के लिए प्लान किया गया था वो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहती थी क्योंकि वो इससे पहले ही बहुत सारे इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम्स को डेवलप कर रहे थे और इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इंडियन नेवी के लिए कोई भी एयरक्राफ्ट डेवलप नहीं किया जा रहा था, इसलिए इंडियन नेवी चाहती थी कि उनके लिए एक नया ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप किया जाए और इंडियन नेवी चाहती थी कि इंडियन एयरफोर्स भी इस प्रोजेक्ट का पार्टनर बने ताकि दोनों फोर्सेस के बीच इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट बांटी जाए और ये एयरक्राफ्ट आसानी से डेवलप किया जा सके। यहाँ पर आपको बता दें कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट ORCA एयरक्राफ्ट का एक नेवल वेरिएंट होने वाला था जिसका वजन इंडियन एयरफोर्स वाले वेरिएंट से ज्यादा होने वाला था क्योंकि इसे कैरियर के ऊपर ऑपरेट करना था तो इसके लैंडिंग गियर और इसके एयर फ्रेम को भी ज्यादा मजबूत बनाना होता था जिसके कारण इसका वजन बढ़ जाता और इसके साथ ही इसकी कन्फिग्रेशन फोल्डेबल विंग की होनी थी जिसकी मदद से इसे कैरियर्स में आसानी से स्टोर किया जा सके, यानी कि इसके पंखों को आसानी से मोड़ा जा सकता था जिसकी मदद से अगर इन्हें स्टोर करना हो तो ये कम स्पेस लेते।
ये नया फाइटर एयरक्राफ्ट जब इंडक्ट हो जाएगा तब ये इंडियन नेवी की MiG-29K फाइटर जेट की फ्लीट को रिप्लेस करेगा। वैसे तो MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट एक हाई परफॉर्मेंस फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसमें बहुत सारे सर्विसबिलिटी इश्यूज थे जिसके कारण इंडियन नेवी इस एयरक्राफ्ट से बहुत खुश नहीं है। ये नया फाइटर एयरक्राफ्ट ऐसे डिजाइन किया जाएगा कि ये ज्यादा रिलायबल हो और इसकी मेंटेनेंस के ऊपर भी कम खर्चा आए और इसकी मेंटेनेंस के ऊपर भी कम ध्यान देना पड़े। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये नया फाइटर एयरक्राफ्ट कम से कम 6 A2 एयर मिसाइल्स को कैरी कर पाएगा और इसका ऑपरेशनल एंड्योरेंस तकरीबन 2 घंटों का होगा। अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की डिवेलपमेंट को मंजूर कर देना ये रिफ्लेक्ट करता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अपने खुद के इंडिजनस प्रोग्राम्स के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट हो गया है और वो सीरियस है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। यहाँ पर आपको बता दें कि May 27 को इंडियन एयर फोर्स ने अपनी तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट की 2nd स्क्वाड्रन को ऑपरेशनलाइज किया था और इसके साथ ही तेजस एयरक्राफ्ट का एडवांस वेरिएंट तेजस मार्क 2 भी 2025 तक तैयार हो जाएगा। लेकिन जो इंडियन नेवी के लिए नया फाइटर एयरक्राफ्ट डिवेलप किया जा रहा है उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल अलग फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और ये इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट से ज़्यादा सुपीरियर होगा। तो चलिए अब इस एयरक्राफ्ट के कुछ यूनिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस फाइटर जेट का सबसे ज़्यादा यूनिक फीचर ये होगा कि इसमें एक डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनलेट लगी होगी। दोस्तों, ओर्का में एक DSI एयर इनटेक लगी होगी जैसे कि F-35 फाइटर जेट और J-20 फाइटर जेट में लगी होती है और इसके साथ ही AMCA फाइटर जेट में भी इसी डिज़ाइन का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट के इनटेक का डिज़ाइन ऐसा होगा कि इसमें एक राउंडेड बम्प बनाया जाएगा जिसकी मदद से इसकी तरफ आने वाली हवा की जो ऑनकमिंग बाउंड्री लेयर होगी उसे रीडायरेक्ट किया जा सकेगा। अगर ऐसे इनटेक का इस्तेमाल ना किया जाए तो इस एयर फ्लो के कारण इंजन की परफॉर्मेंस में कमी आ सकती है। दोस्तों, F-35 फाइटर जेट में जब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था तो लॉकहीड मार्टिन का कहना था कि ये टेक्नोलॉजी उन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल की है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि ये टेक्नोलॉजी नासा ने बहुत समय पहले से ही डिवेलप कर ली थी। डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनलेट को बहुत तरह की स्पीड या मैक नंबर के लिए ऑप्टिमाइज किया जा सकेगा। मीडियम वेट फाइटर जेट यानी कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के डिजाइन में ऐसे इनटेक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मीडियम वेट फाइटर जेट के डिजाइन में भी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि मीडियम वेट फाइटर जेट और ओर्का फाइटर जेट का डिजाइन एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर बनाया जाएगा। इसके साथ ही इस फाइटर जेट का दूसरा सबसे बड़ा फीचर इसके कनार्ड्स होंगे। तो मीडियम वेट फाइटर जेट हमारे देश का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसमें हम कनार्ड्स फीचर करेंगे और अब ऐसा लग रहा है कि ओर्का फाइटर जेट में भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें एक क्लोज कपल्ड कैनर्ड कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी मदद से एक सुपरसोनिक डेल्टा विंग डिजाइन बन जाएगा जिससे एयरक्राफ्ट के डिजाइन में ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। और इसके साथ ही अगर हम कैनर्ड्स के दूसरे एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इसकी मदद से एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ डिस्टेंस भी कम हो जाता है, यानी कि अगर एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करना हो तो वो बहुत कम दूरी से टेक ऑफ कर पाएगा। इसके साथ ही ये कैनर्ड्स एयर ब्रेक्स के तौर पर भी काम कर पाएंगे जो कि लैंडिंग के वक्त काम आ सकेंगे। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में कन्फॉर्मर फ्यूल टैंक्स लगे होंगे। दोस्तों, ये हमारे देश का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसमें कन्फॉर्मर फ्यूल टैंक्स लगे होंगे। जब एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स का किसी एयरक्राफ्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो उससे एयरक्राफ्ट की एरोडायनामिक परफॉर्मेंस कम होती है, लेकिन कन्फॉर्मर फ्यूल टैंक्स के साथ ऐसी कमी नहीं होगी। और इसके साथ ही इन कन्फॉर्मर फ्यूल टैंक्स के लग जाने के साथ एयरक्राफ्ट का ड्रैग क्रॉस सेक्शन भी बहुत कम हो जाएगा और इसके साथ ही एयरक्राफ्ट में एडिशनल हार्ड पॉइंट्स की स्पेस भी बच जाएगी। लेकिन इन कन्फॉर्मर फ्यूल टैंक्स की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये होती है कि अगर हमें इन फ्यूल टैंक्स को ड्रॉप करना हो तो हम इन्हें नहीं कर पाएंगे। और वहीं एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स के साथ एक एडवांटेज ये होती है कि अगर हमें जरूरत पड़े तो हम इन्हें ड्रॉप कर एयरक्राफ्ट का वजन कम कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए अब इसके चौथे फीचर के बारे में बात कर लेते हैं जिसका चौथा फीचर होगा इसके हार्ड पॉइंट्स। ओर्का में तकरीबन 13 हार्ड पॉइंट्स होंगे जो कि मीडियम वेट फाइटर जेट से 2 ज्यादा होंगे और LCA तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट से 5 ज्यादा हार्ड पॉइंट्स होंगे। इन हार्ड पॉइंट्स की अगर बात करें तो इसकी मदद से ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 5 अस्त्रा बियॉन्ड विजन रेंज ए टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर पाएगा और 2 क्लोज कॉम्बैट ए टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर पाएगा और डिफेंस 3 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स को कैरी कर पाएगा और स्पाइस 2000 ग्लाइड बॉम्ब्स को कैरी कर पाएगा और लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड को कैरी कर पाएगा और मीडियम रेंज क्रूज मिसाइल को कैरी कर पाएगा और इसके साथ ही ये हार्पून जैसी मिसाइल को भी कैरी कर पाएगा और इसके साथ ही ये हैमर बॉम्ब्स को भी कैरी कर पाएगा। इस एयरक्राफ्ट में 4 पॉइंट्स हर एक विंग के नीचे हैं और 4 हार्ड पॉइंट्स फ्यूजलाज के नीचे हैं और 1 हार्ड पॉइंट टारगेटिंग पॉड के लिए रिजर्व किया गया है। बहुत ज़्यादा लाइकली है कि इस एयरक्राफ्ट में ड्यूल पायलट्स का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि इस एयरक्राफ्ट का वेपन लोड तकरीबन 9 टन होगा, तो ज़्यादा वेपन्स को कैरी करने के लिए इसके हार्ड पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे।
इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में एक और फीचर भी होगा जो होगा फोल्डेड विंग्स। अगर इस एयरक्राफ्ट के नेवल वेरिएंट के बारे में बात करें तो इस एयरक्राफ्ट में फोल्डेड विंग्स का इस्तेमाल किया जाएगा। फोल्डेबल विंग कॉन्फ़िगरेशन वाला एयरक्राफ्ट होगा जिसकी मदद से ये एयरक्राफ्ट कम स्पेस लेगा और इसे एयरक्राफ्ट के हैंगर में ज़्यादा अच्छी तरह कैरी किया जा सकेगा। तो एक फोल्डेबल विंग कॉन्फ़िगरेशन वाले एयरक्राफ्ट की ज़्यादा एडवांटेजेस कैरियर्स के ऊपर ऑपरेट करने में होती हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि फोल्डेबल विंग कॉन्फ़िगरेशन के कुछ नुकसान भी होते हैं। फोल्डेबल विंग कॉन्फ़िगरेशन वाला एयरक्राफ्ट ज़्यादा भारी होता है और ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसे फोल्डेबल विंग कॉन्फ़िगरेशन वाला बनाने के साथ ही इसमें इलेक्ट्रिकल फ्यूल एरोडायनेमिक और स्ट्रक्चरल सिस्टम से कनेक्शंस में प्रॉब्लम आ सकती है। जो ओर्का एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जाएगा वो एक फिक्स्ड विंग कॉन्फ़िगरेशन वाला एयरक्राफ्ट होगा और जो नेवी के लिए बनाया जाएगा वो फोल्डेबल विंग कॉन्फ़िगरेशन एयरक्राफ्ट होगा। नेवी के लिए बनाया जाने वाला ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट एयरफोर्स वेरिएंट से तकरीबन 1 टन भारी होगा। इसका एयरफोर्स वेरिएंट तकरीबन 24 टन के वजन वाला होगा और इसका एयरफोर्स वेरिएंट तकरीबन 23 टन के वजन वाला होगा। इसके नेवल वेरिएंट को कैरियर कंपैटिबल बनाने के लिए इसमें ज्यादा वजन लगेगा, क्योंकि इसके अंडर कैरेज को भी ज्यादा भारी बनाना होगा और इसके रेज्ड लैंडिंग गियर्स को भी ज्यादा मजबूत बनाना होगा, जिसकी वजह से इसमें तकरीबन 800 किलोग्राम का और ज्यादा वजन ऐड हो जाएगा और इसमें तकरीबन फोल्डेबल विंग सिस्टम के कारण 200 किलोग्राम का वजन और ज्यादा ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी देखना यही होगा कि इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को लेकर कौन सा फैसला लेती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो जय हिंद।